हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रीमिटी की पैटर्न की फ्लैगियन ए डिडक्शन पैटर्न इसमें स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो होगी एक्सटेंशन एंड ए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होगी आर्म जो को, को हम मूव करेंगे अपवर्ड और इनवर्ड अक्रॉस द फेस अपवर्ड करेंगे इनवर्ड टूअर्ड द फेस अब हमारे पास जो पेशेंट की ग्रिप जो होगी वो कहाँ पे रखेंगे हम लेफ्ट हैंड ऑफ द फिजियोथेरापिस्ट इज प्लेस इन द पेशेंट प ग्रिप हम कम कहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट होगी कहाँ पे पेशेंट के पाम पे राइट हैंड जो होगा वो हम पास करेंगे अंडर द आर्म एंड प्लेस आइदर इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म अगर द बाइसेप और इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म इसको हम क्या करेंगे राइट right आर्म को दो जगह रख सकते हैं या तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप या फिर इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सॉरी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म यानी पे पे या फिर इंटीरियर एस्पेक्ट रख सकते हैं ऑफ द क्या होगी फ्लेगियन हम करवाएंगे एडिडक्शन ऑफ द फिंगर करवाएंगे फ्लेगियन एंड एडक्शन ऑफ द फिंगर करवाएंगे और थम की थम की जो है वो करवाएंगे और इसके साथ जो फिंगर और थम की फ्लैगियन एडिक्शन करवाएंगे फ्लेगियन करवाएंगे रिस्ट की सुपिनेशन करवाएंगे और फोर आर्म की करवाएंगे एल्बो की और हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ द शोल्डर एंड द रोटेशन ऑफ द हम कहेंगे पेशेंट को कमांड क्या देंगे पेशेंट को कमांड देंगे कि ग्रिप माय हैंड टर्न एंड पुल अप एंड क्रॉस ग्रिप माय हैंड टर्न पुल अप एंड क्रॉस ये हम उसको क्या करेंगे उसको कमांड देंगे अब हमारे पास जो कंपोनेंट है मोमेंट के वो क्या होंगे वो होंगे नंबर वन हम क्या करेंगे प्रोट्रैक्शन एंड लेटर रोटेशन ऑफ स्कैपुला एट द स्टर्न ऑफ क्लेविकुलर जॉइंट प्रोट्रेक्शन होगी यानी कि यानी कि हमारे पास क्या होगी प्रोट्रैक्शन लेटर रोटेशन होगी और इसमें जो मसल इन्वॉल्व होंगे अपर एंड लोअर फाइवर ऑफ द ट्राइपीजियस ठीक है और हमारे पास क्या होगा और हमारे पास होगा और हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा फ्लेगियन एडिक्शन एंड लैटर रोटेशन ऑफ द ग्लूनो हेमरल जॉइंट होगी जिसमें हमारे पास ये होगी फ्लेगियन एडिक्शन और अब हमारे पास जो होगी वो क्या होगी फ्लेगियन एडिक्शन और लैटर रोटेशन होगी ग्लूनो हेमरल जॉइंट की और क्लेविकल फाइबर ऑफ द पेक्टोरलस मेजर एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड क्रैकोबेरकेलस टेट्रीज माइनर इन्फ्रास्पाइनेटस जो है वो क्या होंगे वर्क करेंगे ठीक है इन पे अब हमारे पास जो है फ्लैक्जन ऑफ एल्बो होगी एक्सटेंशन ऑफ एल्बो में भी आ, जो है वो मेंटेन करोगे तो इसमें हमारे पास जो मसल्स होंगे आल फ्लेक्न ऑफ द एल्बो वर्क करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू तो बींग दिस पैटर्न बायस ब्रिक जो है और ब्रिकल जो है वो यूज होंगे ठीक है अब हमारे पास सुपिनेशन होगी एट रेडियो पे सुपिनेटर इन बायस एडियाल जो है वर्क करेंगे अब हमारे पास जो है रेडियल फ्लैगियन जो है वो हम करवाएंगे एट द रिस्ट जॉइंट तो फ्लेक्र कार्पी रेडियालिस जो है वो इन्वॉल्व होगा और हमारे पास जो है जब हम जो इसकी बात करते हैं रिस्ट की तो फ्लैगियन एडिक्शन ऑफ द फिंगर होगी एट द सॉरी फिंगर हैंड की बात करते हैं फ्लेगियन एडिक्शन ऑफ द फिंगर होगी एट द रेडियल साइड और फ्लैगियन एंड एडिक्शन होगी थम की ठीक है इसमें फ्लेक्र सुप्रीमल डिजिटोरम फ्लेक्सर प्रोफंडस डिजिटोरम फ्लेक्जर लॉन्गेस लंग, पॉलिसीज एबडक्टर पॉलिसीज ट्रांसवर्स और अब्लीग अब्लीगस पामस इंट्रोशाई इन द लम्ब्रिकल्स ये जो मसल्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व होंगी किसमें हमारे पास इस पैटर्न में ठीक हो गया नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा पैटर्न सॉरी uh, अब इस ये जो पैटर्न है दिस पैटर्न ऑफ मूवमेंट इज अ स्पेसिफिक फॉर एजुकेशन ऑफ सैटस एंटीरियर एंटी फाइबर ऑफ द डेल्टाइड बाई फोरम फ्लेक्सर कापी रेडियाल एब्रेक्टर एंड द फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर एंड थंब अगर हमें डेल्टाइड के एंटीरियो फाइबर चाहिए तो हम क्या करेंगे लेटर रोटेशन जो है वो हम एम्फिस यूज करेंगे ताकि वो एंटी फाइबर ऑफ द डेल्टाइड पे एम्फिसाइज हो ठीक है हमने अभी मेजर मसल देखे कि कौन से इन्वॉल्व हुए तो हमारे पास जो हमने पैटर्न जो यूज़ किया वो ये था कि ये हमारे पास जो था राइट हैंड होगा फिज्योथेरेपस्ट का या तो वो हमारे पास इंटीरियर साइड ऑफ द बाइसेप के ऊपर होगा या फिर इंटीरियर साइड ऑफ द फोर आर्म पे होगा और लेफ्ट हैंड जो होगा फिजोथेरेपिस्ट का वो फार्म पे होगा ठीक है uh, ये हमारे पास पैटर्न है पेशेंट का और ये जो है ये ये जो है हमारे पास फिजियो ये जो है पेशेंट है और ये जो है फिजियोथेरेपिस्ट है ये फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पकड़ा हुआ है उसने हैंड को और किस तरीके से अभी स्टार्टिंग पोजीशन उसने बनाई हुई है अब हमारे पास ये स्टार्टिंग पोजीशन आपने देख ली और हम अब हम जाते हैं किस पे री एजुकेशन ऑफ द शोल्डर एंड एल्बो अब हम उसने क्या किया री एजुकेशन करने के लिए अब उसने ये वाला जो पेज यहां से उसने क्या किया इसको अपवर्ड लेके जाएगा ठीक है विद द एल्बो फ्लैगर ठीक है ये वाला पॉइंट आया देन फिर उसने क्या किया उसको फ्लेगियन की तरफ लेके गया री ऑफ द शोल्डर किया फिर क्यों किया शोल्डर करके उसके साथ जो क्या किया फिर एल्बो की फ्लैगियन करवाई शोल्डर के साथ एल्बो दोनों किया देन हमारे पास री एजुकेशन ऑफ द एल्बो ये आप देख रहे हो उसने एल्बो की फ्लैगियन की और री एजुकेशन ऑफ द रिस्टेंट फिंगर शोल्डर के बाद फिर क्या किया एल्बो की एल्बो के बाद साथ जो है उसने रिस्ट की की और फिर फिंगर्स की की ठीक है ये हमारे पास जो है पैटर्न किसका था अपर लिम का था फ्लैगन एबडक्शन अब हमारे पास है एक्सटेंशन एबीडक्शन एक्सटेंशन एबीडक्शन में जो है पैटर्न होगा वो क्या होता है फ्लैगजन एडिडक्शन जो स्टार्टिंग पोजिशन होगी फ्लैगन और स्टार्टिंग पोजिशन जो क्या होगी फ्लैगजन एडक्शन एंड एल्बो फ्लैक्स होगी और एक्सटेंडेड होंगी एंड एक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी द आर्म स्ट्राइस डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड क्या होगा डाउनवर्ड हो जाएगा और आउटवर्ड होगा इसमें क्या होगा सिमिलर एक्शन पुटिंग आउट ऑफ द आर्म टू सेव फ्रॉम फॉलिंग किसी को फॉलिंग से बचाने के लिए अपना हैंड जो है है पुट आउट करता इसके लिए ये वाली पोजीशन होगी अब ग्रिपिंग कैसे करेगा राइट हैंड ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो प्लेस होगा ऑन द अल्ना अल्नर साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड एंड द मीडियल थ्री फिंगर ठीक है और लेफ्ट हैंड जो होगा वो कहा होगा विल पास अंडर द आर्म एंड प्लेस अनर सर्फेस ऑफ द एक्सटेंड एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ फोर तो यानी कि एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे जो उसने हैंड प्लेस करेगा लेकिन वो पास करेगा आर्म नीचे से ठीक है लेफ्ट हैंड ही विल पास अंडर दी आर्म एंड प्लेस अंडर सरफेस ऑफ द एक्सटेंशन एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ द फोर ठीक है हो गया अब सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिक्वेंस ऑफ मूवमेंट क्या होगी इसमें एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर जो है वो रिस्ट के एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर और रिस्ट के एक्सटेंसर प्रोनेशन एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो मिडल रोटेशन ऑफ द रोटेशन दिडलशन होगी और एक्सटेंशन uh, uh, होगी हो शोल्डर की और रिट्रैक्शन एंड डिप्रेशन होगी स्कैपुला की तो पेशेंट को कमांड क्या दोगे पेशेंट को कमांड दोगे कि इफ द एल्बो अगर फ्लैक्स है तो स्ट्रेच एप स्ट्रेच अप करे टर्न करे और पुश डाउन एंड आउट अब कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट क्या होंगी और मसल्स कौन से इन्वॉल्व होंगे जो मीडियल रोटेटर्स हैं रोटेटर एंड मीडियल रोटेशन रिट्रैक्शन एंड द डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला वर्क करे होते हैं जिनमें इसके लेवेटर स्कैपिलास मेजर माइनर मीडियल एंड लोअर फाइबर ऑफ़ द ट्रेपीज एंड लिए भी मसल इन्वॉल्व होंगे इसके साथ मीडियल रोटेटर रोटेशन एंड एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ द्लियोना हेमरल जॉइंट जो है उसमें हमारे पास कौन से मसल इन्वॉल्व होंगे

जो है उसमें एक्सटेंसर डिजिटोरम डिजिटोरम एक्सटेंसर डिजिटि मिनी एबडक्टर मिनी डिजिटि मिनी और डार्सल इंट्रशाइन डंब्रिकल ये हमारे पास जो है वर्क करेंगे एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ द फिंगर ऑन द साइड और उसके साथ जो है पामर पाम में हमारे पास एबडक्टर ऑफ द थंब एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस ये पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो है वो वो स्पेसिफिक फार द रिमवाइडस के लिए ट्रिप, 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 के लिए एक्सटेंसर कार्पियल एक्सटेंसर डिजिटोरम एबडक्टर पोलिस ब्रेवेस के लिए ठीक है अब हमारे पास ये जो पैटर्न है इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी फिजियोथेरेपिस्ट की फिजियोथेरेपिस्ट के हैंड कहाँ कहाँ होंगे लेफ्ट हैंड जो होगा वो आप देख रहे हो यहाँ पे डॉर्स एस्पेक्ट होगी ऑफ द आर्म या फिर जो है वो डॉ एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म होगी और जो है हमारे पास राइट हैंड होगा वो कहाँ होगा पाम पे और समाप्त पाम ठीक है और फिजियोथेरेपिस्ट की पी की पोजीशन ये होगी और पेशेंट जी की ये पोजीशन है ठीक हो गया ये स्टार्टिंग पोजीशन है नेक्स्ट हमारे ने पास जो है शोल्डर की रि एजुकेशन में शोल्डर का शोल्डर की पोजीशन क्या होगी वो जी शोल्डर की ये वाली पोजीशन है यहाँ से वो डाउनवर्ड लेके आएगा ठीक है और इसके साथ जो है री एजुकेशन ऑफ एल्बो जो है वो एल्बो फ्लेगियन थी तो एल्बो के एक्सटेंशन में लेके आएगा यहाँ पे प्रोनेशन में लेके जाएगा सुपिनेशन प्रोनेशन में लेके जाएगा और फिर जो है रिस्टोर इसको क्या करेगा फिर क्या करेगा एक्सटेंशन में लेके जाएगा तो ये हमारे पास री एजुकेशन थी इसकी और नेक्स्ट हमारे पास एल्बो की नेक्स्ट हमारे पास जो है अपर लिम में फ्लेगियन एबीडक्शन फ्लेगियन एबीडक्शन में हमारे पास स्टार्टिंग पोजिशन क्या होती है स्टार्टिंग पोजीशन होगी एक्सटेंशन ए जो है एल्बो में एक्सटेंडेड होगी या फिर फ्लैक्स होगी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो हम आर्म को मूव करेंगे अपवर्ड और आउटवर्ड ग्रिप द लेफ्ट हैंड जो है वो प्लेस करेंगे ऑन द रेडियल साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड और जो <coughs> या फिर रेडियल थ्री फिंगर पे रखेंगे और राइट right हैंड जो है वो पास होगा अंडर द दर्म प्लेस अंडर द ऑफ द आर्म आर फोर आर्म अब सिक्वेंस ऑफ मोमेंट क्या होगी एक्सटेंशन एक्सटेंशन होगी ऑफ द फिंगर की थम की रिस्ट की टू द रेडियल और उसके साथ जो है वो हम सुपिनेशन करवाएंगे लैटर रोटेशन एंड फ्लैगन एंड एबीडक्शन होगी एबीडक्शन होगी एबडक्शन होगी शोल्डर की रोटेशन होगी स्कैपुला की तो हम कमांड क्या देंगे एक्सटेंड द फिंगर रिस्ट टर्न एंड लिफ्ट अप एंड आउट यह हम मान देंगे तो इसके लिए कंपोनेंट ऑफ मोमेंट क्या होगा लेटर रोटेट ऑफ द स्केपिला होगी लेटर रोटेशन ऑफ स्कैपाला होगी जिसमें मसल साइड इंटीरियर अपर एंड लोअर फाइबर ऑफ द ट्रेपीजियस लेटर रोटेशन और दिन द फ्लेक्जन एंड एबडक्शन ऑफ द ग्लिनो हेमरल जॉइंट होगी ठीक है ये वाली शोल्डर पे होगी इसमें ट्रीज माइनर इन्फ्रास्पाइनेटस मिडल एंड पोस्टीरियर फाइबर ऑफ एंड स्पैनाइटिस इन्वॉल्व होंगे इफ द एल्बो जो है अगर रिमेन एक्सटेंडेड है तो ट्राइसेप मसल के लेटरल हेड एंड द इनको जो है इन्वॉल्व होगा इफ द एल्बो फ्लेक्स है तो हमारे पास शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप बाइसेपे एंड द ब्रेकियालिस जो है वो इन्वाल्व होगा सुपिनेशन में बाइसेप बाईसैपीनेटर एंडियाल जो है वर्क करे होते हैं और इसके साथ जो है एक्सटेंस ऑफ द

ये हमारे पास जो है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ पे राइट हैंड हैंड जो है वो इसका ब्लो द आर्म रखा हुआ है डॉसम पे और यो हमारे पास जो है लेफ्ट आर्म जो है डॉसम ऑफ हैंड पे रखा हुआ है ये ये फिजिथेरापिस्ट की है और वो पेशेंट की पोजीशन है नेक्स्ट है हमारे पास आ, ये क्या करेगा डाउन टू अपवर्ड लेके जाएगा यानी ये एबडक्शन करवाएगा तो वन एल्बो इज़ एक्सटेंडेड जब होगी तो ये करवाएगा अगर एल्बो फ्लैक्स है तो क्या करवाएगा ये हमारे पास एल्बो जब एल्बो एक्सटेंड होगी तो इस तरीके से मूवमेंट पैटर्न बनेगा ठीक है और जब एल्बो एल्बो विद एल्बो एक्सटेंशन होगी तो हमारे पास ये पैटर्न जो है वो बनेगा जब एल्बो फ्लगियन में होगी तो ये पैटर्न होगा तो एल्बो एक्सटेंडेड होती है ये पैटर्न होगा ठीक हो गया ये हमारे पास एजुकेशन ऑफ द शोल्डर है देन है जब आपके पास ये हमने शोल्डर की एजुकेशन है क्योंकि शोल्डर जॉइंट पे हमने मूवमेंट देखनी है इसमें इसमें सिर्फ हमारे पास शोल्डर जॉइंट को में जो है आप क्या करते हो मूव करवा रहे होते हो देन आपने एजुकेशन ऑफ द एल्बो एक्सटेंशन तो आपने एल्बो एक्सटेंशन ये थी एल्बो फ्लेगन में थी तो उसको एक्सटेंशन में लेकेगी आप रेजुकेशन ऑफ द रिस्ट एंड हम अब क्या हो गया आप रिस्ट को अपर करोगे ठीक है तो ये हमारे पास जो है पैटर्न बन जाता है देन है हमारे पास अपर लिम का जो नेक्स्ट लास्ट पैटर्न है वो एक्सटेंशन एंड एडिडक्शन है उसमें हमारे पास क्या है स्टार्टिंग पोजिशन क्या होगी फ्लैगन होगा ए डिडक्शन होगा और एल्बो जो है मे बी आइदर एक्सटेंडेड होगी या फिर फ्लैक्स होगी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है और हम ग्रिप क्या करेंगे हैंड जो राइट हैंड इज प्लेस इन पेशेंट पार्म एंड द लेफ्ट हैंड विच पास अंडर देशेंट आर्म दिस प्लेस द फ्लेक्सर्फिस ऑफ द आर्म की की होगी या फिर फोर आर्म की होगी में क्या होगा प्रोनेशन मीडिया रोटेशन एक्सटेंशन ऑफ दिडक्शन ऑफ द शोल्डर होगी कमांड हम क्या देंगे ग्रिप टर्न एंड टेक द आर्म एंड एंड्रॉस ठीक है तो इसमें कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट क्या होंगी देखो मीडल रोटेशन ऑफ द होगी एंड द इंटीरियर एंड इंटीरियर इंटीरियर डिप्रेशन होगी फाइबर ऑफ़ द एंड द द एंड माइनर जो है वो वो उसमें जो है वो हमारे पास जो है मसल वर्क करेंगे अब हमारे पास नेक्स्ट जो मसलोहल जॉइंट में कौन से होंगे कौन से मूवमेंट होंगी अः रोटेशन एडक्शन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द ग्लूनोहर जॉइंट इसमें क्स्ट uh, हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो की जब हम बात करते हैं uh, in uh, में, joint, जो है उसमें फ्लैक् कार्पी अलस है और हमारे पास फ्लैक्शन ऑफ द फिंगर टू दलनर साइड जो है ये वाले मसल हैं इनमें फ्लैक्स इन द फ्लेक्र पोफंडस और पामर एंड इन द लम्ब्रिकल जो है वो, वो वर्क कर रहे होते हैं ठीक है और उसके साथ जब हम थम की बात करें तो अपोजिशन ऑफ द फ्लेक्जर ऑफ द थम अपोनस पॉलिसीज इन द फ्लेक्र पॉलिसीज लागस एंड ब्रेविस वर्क करेंगे और जब हम लिटल फिंगर की बात करते हैं अपोजिशन इन द फ्लेक्र ऑफ द लिटल फिंगर एम ए फ्लैक्र एन अपोनस डिजिटी मानी दिस पैटर्न जो है स्पेसिफिक होता है फा दब्स का मसल के लिए इस फाइबर ऑफ द पेक्टोलस मेजर ट्राइसेप कापी नैरस एंड अपोनस पॉलिसीज के लिए होता है ठीक है और हमारे पास जिसका जो ये आप देखते हो एक्सटेंशन एडक्शन पैटर्न में पेशेंट की पोजीशन ये है ये पेशेंट की पोजीशन है हैंड प्लेस में लेफ्ट हैंड जो होगा या तो वो बिलो द आर्म की जो है नीचे होगा या फिर जो है वो फ्लैक् या फिर फ्रंट ऑफ द आर्म या फिर तो फोर आर्म के फ्रंट पे होगा या फिर लेफ्ट हैंड है वो कहाँ होगा आपकी आर्म के ऊपर होगा तो ये फिजियोथेरेपिस्ट की हैंड है और ये हमारे पास किसकी है ये पेशेंट है ठीक है ये पेशेंट की पोजीशन बताई हुई है अब हमारे पास रीएजुकेशन ऑफ द शोल्डर शोल्डर जॉइंट ये तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट में ये जो शोल्डर जॉइंट है यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है तो ये पहले ये जो था वो क्या था और अब उन्होंने क्या किया एडक्शन में लेके गई एक्सटेंशन एडक्शन में रीएजुकेशन ऑफ़ द शोल्डर विद एक्सटेंडेड एल्बो एक्सटेंडेड एल्बो के साथ जो है वो और जब रीएजुकेशन ऑफ द एल्बो की बात की तो पहले फ्लैग में थी देन एक्सटेंशन में गई रेजुकेशन ऑफ द रिस्ट और फिर क्या किया रिस्ट की एजुकेशन की उसको